सुनो पार्थ, बलदाऊ ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ तय कर दिया है। इससे पहले कि वो ये संदेश बाबा वसुदेव को दें, तुम मेरी बहन का अपहरण कर लो। परंतु हाँ, इस बात का स्मरण रहे कि रथ सुभद्रा चलाएगी। कहो पार्थ, कैसे आना हुआ? हे कृष्ण, महाभारत के युद्ध में क्या आप हमारी सहायता करेंगे? देखो पार्थ, जंग दो भाइयों में है। एक तरफ मैं निहत्था और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। कहो, तुमको क्या चाहिए? हर परिस्थिति में मैं तो केवल आपको ही चुनता हूँ। हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत, यावद्देता निरीक्षेऽहं योद्धो कामानवस्थितान्। अर्जुन कृष्ण की घनिष्ठ मित्रता पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है। पग पग पर कृष्ण का पांडवों की रक्षा करना, महीनों महीनों तक एक दूसरे के घर में रुकना, यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्जुन का सारथी बन जाना। आइए आज हम द्वारिका की एक और अनोखी घटना देखें। हौसला रखो बेटी, बस कुछ ही समय शेष है। धैर्य रखो, बस बस हो गया। बधाई हो ब्राह्मण देवता, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो। देखो ना माँ, कितना सुंदर है ये। हाँ हाँ पुत्र, बिल्कुल तुम पर गया है। ईश्वर करे कि यह अपने पिता की तरह खूब यशस्वी हो। अरे पुत्र, इसकी माता को भी तो पुत्र का दर्शन कराओ। हाँ हाँ माँ, अवश्य। ये क्या हो गया? मेरा पुत्र स्थिर क्यों हो गया? ये रो क्यों नहीं रहा? हाय मेरा पुत्र, विधाता ने ये क्या कर दिया? अरे जब देना नहीं था तो दिया ही क्यों? हमारे साथ ये क्या हो गया? उसने अपने पुत्र की मृत्यु का कारण राजा को निश्चित किया और मृत पुत्र को गोद में लिए हुए विलाप करते हुए राजा के पास जाता है। ये कैसे ब्राह्मणों का द्वेषी राजा है, जिसके होते हुए भी मेरा पुत्र पैदा होते ही काल का ग्रास बन गया? कैसा दुर्बुद्धि है कि जिसमें इतनी भी बुद्धिमानी नहीं कि अपने नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख सके।
अवश्य ही यह स्वार्थी और लोभी है, जिसे हर समय अपने भौतिक सुखों की तो चाह है, पर कर्तव्य पालन की लेश मात्र भी चिंता नहीं। यह क्षत्रिय कहलाने के तो योग्य ही नहीं। हाय हाय, कैसा हिंसक और दुष्ट राजा है हमारा। उसकी 9 संतानें हुई और प्रत्येक संतान मरती चली गई। प्रत्येक बार वह राजा को दोष देने राजमहल के द्वार पर आया। जब 9वीं बार ब्राह्मण द्वारिका के राजा को दोष देने आया, तब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी वहां पर उपस्थित थे। प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय नहीं है? क्या आपके विचार में इस देश के समस्त राजपुरुष ब्राह्मणों के साथ केवल यज्ञ करने में संलग्न रहते हैं? क्या उनमें शूरवीरों का शौर्य नहीं है? यदि ऐसा है तो ऐसे क्षत्रियों को रंगमंच के अभिनेता से अधिक कुछ नहीं समझना चाहिए। वो केवल राजा होने का अभिनय कर रहा है। प्रिय ब्राह्मण देव, मैं वचन देता हूँ कि आपकी संतानों की रक्षा मैं करूँगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। प्रिय अर्जुन, भगवान श्री बलराम उपस्थित हैं, किंतु वे मेरी संतानों को सुरक्षा प्रदान ना कर सके। श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं, किंतु वे भी उनकी रक्षा ना कर सके। अन्य वीर धनुर्धर प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी हैं, किंतु वे मेरी संतानों की रक्षा ना कर सके। आपके वचन को मैं एक अनुभवीन बालक के वचन के समान मानता हूँ। मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। प्रिय ब्राह्मण, ना तो मैं संकर्षण हूँ, ना श्री कृष्ण, ना ही प्रद्युम्न और ना ही अनिरुद्ध के समान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ। मेरा नाम अर्जुन है तथा मेरा धनुष गांडीव है। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि शिवजी तक मेरी कुशलता से संतुष्ट हुए हैं और उन्होंने मुझे पाशुपत नामक अस्त्र प्रदान किया है। यदि मुझे साक्षात यम से भी युद्ध करना पड़े, तब भी मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस लाऊंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे गांडीवधारी अर्जुन, कृपा करके मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लें, कृपया बचा लें। अर्जुन ने विविध प्रक्षेपास्त्रों से लगे बाणों द्वारा उस प्रसूति ग्रह को घेर लिया। इस तरह पिता पुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बना दिया और उस प्रसूति ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल सभी जगह से आच्छादित कर लिया। जरा देखो तो, मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने इस डींग मारने वाले नपुंसक की बातों पर विश्वास कर लिया। अरे, जब कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध किसी व्यक्ति को बचा ना पाए तो भला अन्य कौन उसकी रक्षा कर सकता है? इस झूठे अर्जुन को धिक्कार है, या इतना मूर्ख है कि सोचता है कि ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है जिसे विधाता ने उठा लिया हो। जब वह बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को बुरा भला कहकर अपमानित कर रहा था, तो अर्जुन ने तुरंत ही संयमनीपुरी, जहाँ यमराज रहते हैं, जाने के लिए योग विद्या का प्रयोग किया। वहाँ ब्राह्मण पुत्र को न पाकर अर्जुन अग्नि, सोम,
वायु और वरुण की पुरी में गया। हाथ में हथियार तैयार रखे हुए उसने अधोलोक से लेकर स्वर्ग के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को खोज मारा। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी न पाकर अर्जुन ने अपना वायदा पूरा न करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु जब वो ऐसा करने ही जा रहा था अर्जुन, रुको मित्र। पूर्वक आत्महत्या मत करो। यही मनुष्य जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, यही हमारी निष्कलंक कीर्ति को स्थापित करेंगे। सारथी, रथ लाओ, आओ मेरे साथ अर्जुन। अर्जुन को इस प्रकार कहकर भगवान ने अपना दिव्य रथ मंगवाया और अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, वे बिना किसी प्रयास के शिशु को वापस ला सकते थे, किंतु हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वे मानव का अभिनय कर रहे थे। जैसे एक मानव को कुछ फल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार एक साधारण मानव अथवा अपने सखा अर्जुन के समान भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण शिशु को वापस लाने के लिए द्वारिका से प्रस्थान किया। भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्रह्मांड के सात द्वीपों के ऊपर से गुजरा। श्री कृष्ण इन सब लोकों को पार करके ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गए और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। श्री कृष्ण की भांति उनके रथ के अश्व ने भी मार्ग भूलने की लीला की। तब योगेश्वरों के भी परम स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने रथ के आगे अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। वह चक्र सैकड़ों सूर्यों की तरह चमक रहा था। उस चक्र ने घने अंधकार को इस तरह काट दिया जिस तरह भगवान राम के धनुष से छूटा तीर उनके शत्रु की सेना को काटता हुआ निकल जाता है। सुदर्शन चक्र का पीछा करता हुआ रथ अंधकार को पार करके सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक प्रकाश में जा पहुंचा। ज्यों ही अर्जुन ने चमचमाते तेज को देखा, उससे सहन नहीं हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके उपरांत श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने एक विशाल आध्यात्मिक सागर में प्रवेश किया। उस समुद्र के भीतर अर्जुन ने
एक अद्भुत महल देखा जो उसके द्वारा अभी तक देखी गई हर वस्तु से अधिक चमकीला था। उस महल में रत्न निर्मित हजारों स्तंभ थे तथा उन स्तंभों की दैदीप्तमान कांति इतनी सुंदर थी कि अर्जुन उस पर मुग्ध हो गए। उस महल में अर्जुन ने अनंत देव अर्थात अनंत शेष के विशाल रूप के दर्शन किए। भगवान अनंत देव सहस्त्र फणों वाले एक विशाल सर्प के रूप में थे। उनका प्रत्येक फण मूल्यवान कांतिवान रत्नों से सुसज्जित था जो कि अति सुंदरता पूर्वक जगमगा रहा था। मैं ही ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए आप और आपके सखा अर्जुन के दर्शन करना चाहता था। आप धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, अतः आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध कर उन्हें यहाँ वापस भेज दें। मैं जानता हूँ कि आप पूर्ण कामी हैं, आप समस्त इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी आप सामान्य जनों के लाभ हेतु पृथ्वी पर धार्मिक आचरण का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने साथ ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर वे परम प्रसन्नता पूर्वक इस मार्ग से द्वारिका लौट गए जिससे वे होकर आए थे। वहां उन्होंने ब्राह्मण को उनके पुत्र सौंप दिए जो वैसे ही शैशव शरीर में थे जिसमें वह खो गए थे। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा की भी रक्षा की, महाविष्णु को दर्शन देकर प्रसन्न भी किया, ब्राह्मण पुत्रों को उसके परिजनों तक भी पहुंचाया और साथ ही साथ हम जैसे सामान्य जनों के लिए यह सिद्धांत भी स्थापित किया कि वे ही सर्वेश्वर हैं जिनके दर्शन की कामना महाविष्णु भी उत्सुकता से करते हैं। हरिवंश पुराण में कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने मेरा दर्शन पाने के लिए ही उन बालकों को चुराया था। उसका विश्वास था कि कृष्ण एकमात्र ब्राह्मण का पक्ष लेकर मुझे देखने आएंगे, अन्यथा नहीं। हमने देखा कि अर्जुन के साथ कृष्ण ने भी महाविष्णु को प्रणाम किया। ऐसा इसलिए कि वे नर लीला कर रहे थे। भगवान चाहे अर्जुन का रथ चलाएं या महाविष्णु को प्रणाम करते दिखें, वे अपनी सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ स्थिति से कभी नहीं गिरते। इसीलिए तो उनका एक नाम है अच्युत। और वास्तव में यही कहकर इस विशेष प्रसंग में उन्हें संबोधित किया गया है। आशा है
इस इतिहास को जानने के बाद सभी की यह दुविधा सदा के लिए समाप्त हो गई होगी कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के। इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए देखिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। ব্রজেন্দ্রকুমার তোমারই ছায় বিশে
সৃজন সংহার তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর। বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া। নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া। ভকতি বিরোদয়তি বিনয়া কিঞ্চাম তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ। ভকতি বিনোদয়তি বিনয়া কিঞ্চাম তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার তোমার ইচ্ছায় বিশে সৃজন সংহার। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার তোমার ইচ্ছায় বিশে সৃজন সংহার। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার তোমার।